हेलो एवरीवन, मैं हूं निशात परवीन और आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 1857 का विद्रोह यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। इस रिवॉल्यूशन के होने का कारण क्या था, ये विद्रोह जो था आखिर किन कारणों से फैला था। तो ऐसे बहुत सारे कारण आते हैं जिनकी वजह से जो है विद्रोह फैला था। उनमें से एक मुख्य कारण आता है जब बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जो हमारे बलिया जिले के रहने वाले थे। आई एम वेरी प्राउड कि वो हमारे यहाँ के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो है अपने ही यूनिट के सर्जेंट मेजर को गोली चला के हत्या कर दी। और उस हत्या के पीछे भी एक रीज़न था जो हम आपको आगे आने वाली चीज़ों में जो है आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते जाइए कि आखिर किन किन वजहों से जो है ये विद्रोह हुआ था। तो अगर हम लोग देखें तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और उस समय जिसका रूल होता है, जो शासन कर रहा होता है, वो होता है मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगलों का राज हमारे यहाँ चलता है, भारत में मुगल जो है वो राज करते हैं। ठीक है, तो 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और अकबर की परमिशन से जो है वहाँ से आती है, अकबर की परमिशन से जो है भारत में ट्रेड करना स्टार्ट करती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो अपने ही क्वीन से, मतलब जो वहाँ की क्वीन होती हैं, इंग्लैंड की जो क्वीन होती हैं, वो वहाँ से एक चार्टर लेके आती है। चार्टर का मतलब होता है कि एक ट्रेड करने के लिए एक परमिशन, एक अग्रीमेंट चाहिए होता है, तो वो अपनी कंट्री से लेके आती हैं। ये कोई रूलिंग लोग नहीं होते हैं, जो रूल करने वाले लोग ये लोग नहीं होते हैं, ये मेनली होते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, एक बिजनेसमैन का एसोसिएशन होता है, वो लोग आते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए और ये ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो ट्रेड करते हैं, भारत में व्यापार बढ़ाते हैं अपना, भारत के अलग अलग जगहों पे जो है अब ये अपना एकाधिकार जमाने लगते हैं, अपनी ट्रेड मोनोपोली जमाने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये अपना व्यापार बढ़ाते जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे जो है ये अपना कब्जा भी जमा लेते हैं। जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसके बाद से जो है पहले ब्रिटिशर्स सिर्फ हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स 1757 का जो युद्ध होता है इसके बाद से जो है ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे यहाँ कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर देते हैं, अब रूल करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक तो पहले 1757 से पहले 1600 से लेकर 1757 तक तो जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिर्फ हमारे यहाँ ट्रेड किया, लेकिन 1757 से लेकर 1857 तक यहाँ से जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रूल करना स्टार्ट किया। अब वो ट्रेड भी करते थे, उसके साथ साथ यहाँ पे अपना एकाधिकार भी जमाते थे, अपनी रूलिंग जो पावर होती थी उसका भी यहाँ पे अच्छा खासा इस्तेमाल करते थे। तो अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई जो इंडियंस के लिए जो है बिल्कुल सही नहीं थी। जैसे टैक्सेस को बढ़ा दिए, काफ़ी बढ़ा दिए टैक्सेस को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी वो इंडियंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसके लिए हर इंडियन जो है इन लोगों से सफ़र कर रहा था। अब सोचिए 1757 से ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं और 1757 से लेकर 1857 तक हर भारतीय जो है अपने अंदर के ज्वाला को एकदम दबाए रख रहा था, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उनके सामने ही उनके सारे हक छीने जा रहे थे, ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे। ठीक है, कम प्रॉफिट मिलता था उनको, रॉ मटेरियल सही से नहीं मिल पाता था। तो इससे क्या था, लोगों में जो है अलग से आक्रोश पैदा होते जा रहा था, लेकिन ये चीज़ें जो थी वो बिल्कुल दबी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनको दबा दिया करते थे। भाई उनके पास अच्छे अच्छे वेपन्स थे, अच्छी आर्मी थी उनकी, अच्छे उनके पास कंट्रोलिंग पावर था, तो इस वजह से जो वो क्या करते थे कि वो यहाँ की चीज़ों को जो है वो दबा दिया करते थे। इससे जो है किसी के अंदर का जो आक्रोश है वो बाहर नहीं आ पाता था और ना ही ये लोगों में पनपने देते थे, क्योंकि अब वो जानते थे कि जब हम भारतीय जो है एक साथ अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पे विद्रोह पैदा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़े। तो यही हुआ, 1757 के बाद 1857 तक ये लोग भारत में राज करते रहे और 1857 में एक ऐसी चिंगारी निकली जो जिसने पूरे भारत में फैल गई, लेकिन इसे भी दबा दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से और कारण थे जिसकी वजह से जो है 1857 का विद्रोह होता है। जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है आर्थिक कारण, यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज। तो इनमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने जो है टैक्सेस कलेक्ट करना लोगों से ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ जो थे वो भारत के लोगों से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे मैंने बताया आपको कि 1757 के बाद से जो है अंग्रेज़ों के पास ट्रेड करने के साथ साथ
रूल करने का भी अधिकार इनको मिल गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वगैरह जब साइन हुई थी तो इनको रूल करने का भी अधिकार मिल चुका था। अब ये राज भी करना स्टार्ट कर दिए थे, अब ये कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो वो क्या करना स्टार्ट किए थे कि वो टैक्सेस को कलेक्ट करना स्टार्ट किए थे, और पूरे भारत को इन्होंने तीन सिस्टम में बांटा था, तीन टैक्स कलेक्ट करने के सिस्टम में बांटा था। सबसे पहला था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक जमींदार को अपॉइंट करते थे, उनसे बोलते थे कि देखो भैया तुम हमारे लिए जो है टैक्स कलेक्ट करके लोगों से लाओ, जो किसान हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके लाओ, और हम तुमको जो है उसके बदले उसका कुछ पार्ट देंगे, या फिर वो उनको उसकी सैलरी पे रखा करते थे। तो इससे जो है जमींदारी सिस्टम ये चलने लगा। दूसरा जो सिस्टम आया वो आया रैयतवाड़ी सिस्टम। और रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि ये लोग जो है डायरेक्टली ना किसी को बीच के जमींदार को अपॉइंट करते थे, ना किसी को अपॉइंट करते थे, ये डायरेक्टली जो है किसानों पे जो है टैक्स इम्पोज करते थे और डायरेक्टली जो है वो उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और जो तीसरा सिस्टम था वो था महलवाड़ी सिस्टम। और महलवाड़ी सिस्टम में ये था कि वो क्या करते थे, पूरे गांव का टैक्स, पूरे एक गांव का टैक्स जो है वो एक साथ लिया करते थे। ठीक है, तो ये था पूरे ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत को तीन टैक्स कलेक्ट करने के सिस्टम में बांट दिया था कि कहाँ से जो है किस टाइप के टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। दूसरा जो आर्थिक कारण था वो था कि जो हमारे इंडियन गुड्स थे, जो बनाते थे हम लोग, चाहे वो हैंडमेड ही क्यों ना हो, आप सभी को मालूम है कि भारत में जो है हैंडमेड चीज़ें थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, अलग अलग जगहों से डिमांड आती थी हमारे हैंडमेड चीज़ों के लिए। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन चीज़ें होती थी, एक्सपोर्ट तो चीज़ें होती ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती थी ना वो हैंडमेड बनती थी और अच्छी क्वालिटी होती थी उसकी। तो चीज़ें जब एक्सपोर्ट होती थी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए, जब हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे यहाँ से टैक्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे तो यही होगा कि हमारे सामान का जो दाम है वो बाहर जाके और महंगा हो जाएगा। जैसे कि मानिए कि हमने यहाँ पे कोई सामान बनाया 100 रुपये का, हम उसको दूसरे देश में बेचना चाहते हैं 150 रुपये का, ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास 50 रुपये का आएगा। अब क्या होगा कि अब हम लेके जा रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स खड़े हैं वहाँ पे, बोले हैं रोको रोको रोको, हमको इस पे टैक्स चाहिए। तो वो 100 रुपये का सामान है, उस पे 20 रुपये उन लोगों ने टैक्स ले लिया। ठीक है, तो पहले हमको 50 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन अब हमको कितने का प्रॉफिट आएगा, अब आएगा 30 रुपये का प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ की प्रॉफिट कम होगी, चाहे हमारे यहाँ जो होंगे प्रॉफिट कम आएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो होंगी वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगी। तो यही मेन कारण है कि हमारे इनके टैक्स लेने की वजह से, इनके हमारे सामानों पे एक्सपोर्ट वाले टैक्स लेने की वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज जो हैं, जो भी हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ये इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, धीरे 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 वो ख़त्म होने स्टार्ट हो गई। दूसरा कारण ये भी था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे यहाँ के जितने भी रॉ मटेरियल होते थे, ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल होते थे वो क्या करते थे, वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते थे। जला इनकी कूटनीति देखिए कि जब हमारे यहाँ से सामान दूसरे देश में जाता था बेचने के लिए, तो ये इन पे लगाते थे खूब हाई टैक्सेस, खूब ज़्यादा ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे, लेकिन वही पे जो है हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल इनके देश जाता था तो ये उन पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाते थे, फ्री टैक्स पे जो है ये उनको भेजा करते थे। तो इससे जो है हमारे भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जब हम अपना सामान बेचने के लिए किसी और को बेच रहे हैं तो आप हमसे उस पर टैक्स मांग रहे हैं, और आप हमारे देश का ही सामान अपने देश लेके जा रहे हैं तो आप उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो इस वजह से भी जो है लोगों का गुस्सा जो है काफ़ी फूट रहा था। तो ये हमारा होता है आर्थिक कारण। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे कारण की तरफ। जो दूसरा है वो है हमारा पॉलिटिकल कॉजेस, मतलब कि राजनीतिक कारण। और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नीतियाँ अपनाई थी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि जो भी राजा हैं, अगर वो उनके अपनी संतान नहीं है और अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि वो जो बच्चा होगा, जो अडॉप्टेड बेटा होगा, वो उसको राजा नहीं मानेंगे, इंस्टेड उसको राजा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको पेंशन देंगे। तो यही हुआ था पेशवा बाजीराव ने, जो है जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था जिनका नाम था नाना साहब। आप लोगों ने सुना होगा, जब झांसी की रानी की कविता सुनी होगी तो उसमें सुना होगा नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग वो जो भी वो पोयम में लाइन रहती है, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही है। तो वो जो नाना जो वर्ड है वहाँ पर, ये नाना साहब का मतलब होता है।
तो जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव के एक एडॉप्टेड सन थे, तो उनको जो है पेंशन दिया जाने लगा, जो नाना साहब ने उन पेंशन को इनकार कर दिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये भी कारण आता है, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो है तीन चार जगह जो है इनके अंदर लाई गई थी, जैसे कि था सतारा, झांसी, संबलपुर, ये सारी जगह जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर्स ने इनको हड़प लिया था, क्योंकि यहाँ के जो बेटे थे वो अडॉप्टेड बच्चे थे और वो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद जो हमारा दूसरा जो रीज़न आता है वो आता है सब्सिडरी अलायंस का। तो सब्सिडरी अलायंस को लाया था लॉर्ड वेल्सले ने। तो लॉर्ड वेल्सले ने ये कहा कि देखिए, जो जो ऐसे राज्य हैं जिनको लगता है कि उनको अपने बगल वाले राज्य से कोई ख़तरा है, तो हम उनकी सुरक्षा करते हैं। बदले में उन्हें क्या करना होगा कि बदले में वो जो है हमें वहाँ के वहाँ पे जिस जहाँ पे हम सुरक्षा करते हैं वहाँ पे जो है बदले में उन्हें हमको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराना हो, जैसे कि हमको फ्री टैक्सेशन कर देना होगा कि हम आसानी से जो है अपना ट्रेड वगैरह कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जो बिल्कुल प्रोटेक्शन चाहते थे अपनी आर्मी से, क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं थे, अंग्रेज़ों की तरह तो पावरफुल बिल्कुल भी नहीं थे, ना तो उनकी आर्मी इतनी अच्छी थी, ना तो उनके पास जो वेपन थे वो इतने अच्छे थे। तो बहुत सारे राज्य ने जो है ये बातें मान ली और ब्रिटिशर्स को जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लिया। तो ये हमारा जो है वो राजनीतिक कारण होता है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे कारण की तरफ। जो दूसरा कारण था वो था हमारा सोशियो रिलीजियस कॉजेस। जो हमारे धर्म में जब ब्रिटिशर्स जो है जब इंटरफेयर करने लगे तो यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है बुरा लगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर भारतीयों के सामने से अगर रोटी छीन ली जाए तो उन्हें उतना बुरा नहीं लगेगा, अगर कोई उनके धर्म में हस्तक्षेप कर दे तुरंत जो है उनको बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा ही कुछ ब्रिटिशर्स ने किया, उन्होंने सती सिस्टम को हटाने का प्रयास किया। उन लोगों ने एक एंटी सती रिजोल्यूशन लेके आया 1829 में, जिसके तहत था कि ऐसे हमारे भारत में एक प्रश्नल था कि अगर कोई पति मरता है, किसी औरत का कोई पति मरता है, तो जब उसके पति का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो उसके साथ साथ उसकी औरत को भी वहाँ पर जला दिया जाता है, उसकी बीवी को भी वहाँ पर जला दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो थी वो लोग ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जो एक रिफॉर्म ले गया है कि अब जो है वो किसी भी सती को जो है जलाया नहीं जाएगा। तो अब क्या था कि लोगों में अब लोग भड़कना स्टार्ट हो गए, देखो अब तो ये सब बहुत ये लोग खिलाफ हो रहे थे, अब तो लोग जो है बहुत इंटरफेयर कर लिए, हमारे ट्रेड में इंटरफेयर कर लिए, हमारे घर में घुस आए, हमने कुछ नहीं बोला, अब ये हमारे धर्म में घुस रहे हैं। अब इन लोगों को जो है काफ़ी जो है दिक्कतें झेलनी पड़ी। फिर दूसरा रिजोल्यूशन जो ये लेके आए वो ये लेके आए कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856। इसमें ये था कि जो भी विधवाएं, ठीक है जी, जो जिनको जलाया नहीं गया है अभी जो बच गई हैं, तो उनका फिर से विवाह कराया जाए, ठीक है। तो अभी इन लोगों को भी ये भी ख़राब नहीं लगे, क्योंकि पहले जो है वो लोग विडो को जो है मानते थे कि वो अशुभ होती हैं, किन्हीं भी अच्छी चीज़ों पे उन लोगों को नहीं इन्वाइट किया जाता था, इवन कि उनके चेहरे भी नहीं देखे जाते थे। ऐसा मानना होता था लोगों का कि अगर उनके चेहरे देख लिए जाते हैं तो दिन अशुभ हो जाता है। तो ऐसा नहीं था, ऐसा लोगों का प्रचलन था, ऐसा लोग मानते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन चीज़ों को ख़त्म किया। इससे जो है लोग जो है ज़्यादा भड़कना स्टार्ट हो गए। जो तीसरी चीज़ आती है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी किया हुआ था, जो काले गोरे में जो भेदभाव है वो ज़्यादा जो है लोगों में जो है फैलता गया था। और तीसरी चीज़ ये भी आती है कि ब्रिटिशर्स ने जो है फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्जन कराना लोगों का स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, चाहे वो लालच दे के हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। तो अभी हम समझते हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ जो थे वो लोगों पे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे और किसी कारणों से, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि भारत में अगर किसी के सामने से रोटी छीन लो तो वो उतना नहीं तड़पड़ाएगा जितना अगर आप उसके धर्म में जो है इंटरफेयर करते हैं तो वो उतना परेशान होता है। तो ये हमारे सोशियो रिलीजियस कॉजेज होते हैं। अब हम चलेंगे अपने दूसरे कारणों की तरफ। अब जो हमारा दूसरा कारण आता है वो है इमीडिएट कॉज। अभी जो मैंने आपको पिछले जितने भी कारण बताए ये तो 100 सालों में चले आ रहे थे, ये तो लोग झेल ही रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये आक्रोश जो है, ये जो विद्रोह है वो इतनी जल्दी फैलना स्टार्ट हो गया था, ऐसे क्या रीज़न थे? तो हम इमीडिएट कॉज में पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से जो है ये विद्रोह जो है वो इतनी जल्दी फैलना स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए आपको एक पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, ये कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा सा सुन लीजिएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो ये कहानी सुनिए। तो ब्रिटिशर्स के पास जो हैं दो राइफल्स थी, एक थी पुरानी और एक थी नई।
एक पैटर्न्ड 1853 इनफील्ड राइफल मस्केट एक ब्रिटिशर्स ने जो नई राइफल 1857 में लाई, इस राइफल में क्या था? चलिए इस राइफल को अभी छोड़ देते हैं, नई राइफल को यहाँ छोड़ देते हैं, अभी हम अपनी पुरानी राइफल के पास जाते हैं। तो पुरानी राइफल में क्या करना पड़ता था? तो पुरानी राइफल में करना पड़ता ये था कि वहाँ पे दो चीज़ें होती थी, एक होता था बुलेट जो लेड से बना होता था और दूसरा होता था गन पाउडर। जो गन का जो बैरल होता था, जो राइफल का जो बैरल होता था, उस पर क्या करना पड़ता था, पहले जो सैनिक होते थे उनको क्या करना पड़ता था कि उनको पहले गन पाउडर डालना पड़ता था, उसके बाद से जो है बुलेट को डालना पड़ता था और एक रैमब्रॉड होती थी उससे जो है बुलेट को पुश करके उसकी लोकेशन पर रखा जाता था। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। तो अब इसको करने के लिए जो है, एक तो पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग था कि पहले गन पाउडर निकालो, फिर बुलेट निकालो, फिर उसको रॉड से ठीक करो। ठीक है, और ऊपर से जो है ये स्पेस भी ज़्यादा लेता था। अब सैनिक कहाँ ढो के 2 किलो गन पाउडर, 4 किलो 400 बुलेट लेके जाएंगे, कहाँ इतना अलग अलग बैग लेके कैरी करना, तो ये उनके लिए मुश्किल था। तो अब क्या हुआ था कि जो ये नई राइफल आई थी इसमें क्या था कि एक कार्ट्रिजेस बनाए गए थे। ठीक है, एक कार्ट्रिजेस, एक समझ लीजिए एक सिलेंड्रिकल टाइप में एक पुड़िया बनाया गया, जिसका आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा। तो एक पुड़िया बनाई गई, उस पुड़िया में क्या किया गया कि प्रॉपर अमाउंट में गन पाउडर ऊपर रखा गया, उस पुड़िया को पैक किया गया एक रैपर से, लेकिन उसके अंदर क्या था हम आपको बताते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो गन पाउडर था और उसके नीचे जो था वो वही बुलेट था। ठीक है, तो उसको जो है रैप कर दिया गया। अब उसको पेपर से रैप करके जो है एक बनाया गया और सबको जितको जितना चाहिए होता था जितने अमाउंट में जो है वो लेता था। अब क्या था कि जो ऊपर जो उसके, अब यहाँ पे ये तो ठीक था भैया, यहाँ तक तो ठीक है, चलो भैया तुमने रैप कर दिया, जो सिपाही थे उनके लिए मुश्किल और भी आसान हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या थी कि जो रैपर था जो जिससे पैक किया गया था, उस कार्ट्रिजेस को जिससे पैक किया गया था, उस पर उन्होंने क्या किया था, एनिमल फैट से जो है ग्रीसिंग की थी। अब ग्रीसिंग करने का मुख्य कारण था कि वो जो भी बुलेट था उसको मॉइस्चर वगैरह से बचाना। ठीक है, जो गन पाउडर उसके अंदर था उसको मॉइस्चर वगैरह से बचाना भाई, क्योंकि उसको सिर्फ सिंपल पेपर से रैप किया गया था। तो अब उस पेपर पे चारों तरफ क्या किया गया, एनिमल फैट से ग्रीसिंग की गई। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता था कि ये किस चीज़ के एनिमल फैट थे, तो ये था एक ठो पिक का था और दूसरा था काऊ का। अब हमारे भारतीय उसमें सैनिक जो थे वो उसमें तो दोनों कास्ट के थे, एक हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। तो देखिए मुस्लिमों के लिए क्या था, पिग हराम था। हिंदुओं के लिए क्या था कि जो गाय थी वो पूजनीय थी, गाय की वो लोग पूजा करते थे। तो इन दोनों लोगों को जो है वो फैट को जो है मुंह से लगाना, क्योंकि क्या करना पड़ता था, जो कार्ट्रिजेज आते थे उनको जो है सबसे पहले ऐसे मुंह से खोलना होता था, उसके बाद से जो है जो गन पाउडर होता था उसको निकाल के बैरल में भरना होता था और उसके बाद से जो है बुलेट को लगाना होता था। तो अब जो है वो एनिमल फैट जो ऊपर लगा हुआ था वो सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बनी थी, क्योंकि वो जो सिपाही थे वो इस उसको जो भी कार्ट्रिजेस थे उसको मुंह से नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो किससे बना हुआ था, वो पिग और काऊ के फैट से बना हुआ था। तो ये मुख्य कारण आता है जिसकी वजह से जो है अलग अलग जगहों पे जो है विद्रोह भी होने स्टार्ट हो चुके थे। तो सबसे पहले जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बहरामपुर में, और जो बहरामपुर में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये बहरामपुर उड़ीसा में है, तो ये हुआ था 19th नेटिव इन्फेंट्री में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इन्होंने क्या किया था, इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया था। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था फरवरी 1857 में। ठीक है, अभी फरवरी में होता है, यहाँ पे बहरामपुर में होता है, और यहाँ पे जो उनके जो सैनिक है, नेटिव इन्फेंट्री है, 19th नेटिव इन्फेंट्री जो है वो इसको यूज़ करने से मना कर देती है। इसके बाद क्या किया जाता है कि इनको डिसबैंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा विद्रोह स्टार्ट होता है, अभी देखिए फरवरी में इनको डिसबैंड किया ही गया था कि 29 मार्च 1857 को दूसरा विद्रोह स्टार्ट होता है बैरकपुर में। बैरकपुर यानी कि वेस्ट बंगाल में ये विद्रोह स्टार्ट होता है, और यहाँ पे एक जो सिपाही होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, मंगल पांडे जिनका नाम होता है, जो हमारे ज़िले के हैं। ठीक है, जो हमारे ज़िले के हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने ही यूनिट के एक जो सार्जेंट मेजर होते हैं उनकी गोली मार के हत्या कर देती है। वो यहाँ से विद्रोह उनकी स्टार्ट होती है। और जो तीसरा विद्रोह स्टार्ट होता है वो होता है अवध में। अवध में क्या होता है कि जो 7th अवध रेजिमेंट है वो क्या करते हैं कि वो भी जो है यूज़ करने से जो है मना कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको भी डिसबैंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से जो है ये तीनों विद्रोह को जो है रोक दिया जाता है, तीनों विद्रोह को जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दबा देते हैं। लेकिन ये विद्रोह जो है वो फैलता जाता है और जाता है यूपी के मेरठ तक। यूपी के मेरठ में जो है 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवेलरी, ठीक है, कैवेलरी को घुड़सवार, जो 3rd नेटिव कैवेलरी है
है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो है इस कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। वो टोटल लोग जो थे वो 90 लोग थे, ठीक है, जिसमें से 85 लोग को डिसबैन कर दिया गया, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया। 85 लोगों को ले आया गया, उनको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो मेरठ में रहने वाले जो नॉर्मल जो लोकल जो है सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही लोकल इंडियन सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को आज़ाद करा दिया और इन लोगों को मतलब जेल से छुड़वा दिया। और इन लोगों को आज़ाद कराने में जो भी बीच में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए उनको क्या किया, इन्होंने जो है गोली मार के हत्या कर दी। तो इनसे जो है ये विद्रोह जो है काफ़ी फैलना स्टार्ट हो गया। लेकिन 10 मई 1857 को, जैसे कि ये हुआ था 24 अप्रैल 1857 को हुआ था, ठीक है, क्या था, इनको जो है 9 मई को जो है क्या किया गया, इनको जेल में डाल दिया गया था। और 10 मई को जो है ये लोग जो है दिल्ली की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर दिए थे। अब ये विद्रोह जो था वो अलग अलग सेंटर्स पे जो है फैलते जा रहा था, अलग अलग जगहों पे फैलते जा रहा था, ठीक है। और बहुत सारे सेंटर जो है बन चुके थे, बहुत सारी जो अलग अलग बहुत सारी जगहों पर जो ये विद्रोह जो है होना स्टार्ट हो गया था। और विद्रोह होना क्यों स्टार्ट हुआ, देखिए स्टार्टिंग में तो बैरकपुर, बहरामपुर और अवध, इन तीनों जगहों पर जो है विद्रोह को एकदम दबा दिया गया था। लेकिन जब ये यूपी के मेरठ में आया, ठीक है, जब मई में जो है ये 10 मई को जब ये सब चीज़ें हुई और 10 मई को जो है ये लोग जब दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट किए, तो ये मेन कारण था जो विद्रोह का पूरे भारत में होने का। क्योंकि सिर्फ इन्हीं की वजह से जो है क्या हुआ था कि पूरे भारत में जो है ये विद्रोह फैला था। अगर ब्रिटिशर जो है यूपी के मेरठ में भी जो है इन लोगों को दबा देते तो पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स का काम ही क्या था कि जो भी जो है अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो क्या करते थे, मार देते थे, उसको फांसी पर सजा देते थे। जैसे कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर सजा दे दी गई थी, ठीक है, 29 मार्च को इन्होंने काम किया था, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे ही ये लोग भी, या फिर उसको डिसबैन कर दी, जैसे मैंने बताया बहरामपुर और अवध में क्या किया गया था, इनको डिसबैन कर दिया गया था। तो वैसे ही किया जाता है, ब्रिटिशर्स क्या करते, इनको फिर से वहीं पे दबा देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से, ऐसे 1857 के ऐसे कौन कौन से मेन सेंटर थे जहाँ पे ये लड़ाइयाँ चल रही थी, तो सबसे पहले जो है दिल्ली में चली थी, उसके बाद से जो बरेली में चली थी, उसके बाद कानपुर में चली थी, लखनऊ में चली थी, झांसी में चली थी, इलाहाबाद में चली थी और जगदीशपुर में चली थी। ये मेन सेंटर है जहाँ पे 1857 का मेन विद्रोह जो है ये हो रहा था। तो हालांकि आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ऐसे कौन कौन से कारण थे, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक कॉजेस जिसमें आया था टैक्सेस वगैरह की वजह से जो है जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो लोगों पे जो है ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करते थे, जिसकी वजह से जो है लोग भड़कना स्टार्ट हो गए। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में अगर हम देखें तो सती प्रथा को हटाना और फिर से विधवाओं का विवाह कराना, ये जो है लोगों के लिए काफ़ी जो है जो चीज़ हो गई थी, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर तो कोई भी जो है इंडिया में कुछ नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये 1857 का पूरा विद्रोह एक कहानी की तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये विद्रोह जो है सिर्फ एक चिंगारी की वजह से कैसे ये विद्रोह जो है फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।